मैं मध्य प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, मध्य प्रदेश में किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रहा है, कितने तैयार हैं अस्पताल? मध्य प्रदेश में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भोपाल का सबसे बड़ा हमीदिया अस्पताल है, जो कि कोविड केयर सेंटर का बड़ा सेंटर भी रहा है। और इस सेंटर में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन का जो प्लांट है, क्योंकि ऑक्सीजन बेहद जरूरी थी, ऑक्सीजन प्लांट करने के लिए खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जानकारी ले रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं सर, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो आपको पता लग ही रहा है खतरा बरकरार है, अभी भी लग रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, पर हमने पूरी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल की है, पूरे प्रदेश में की है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, आईसी हो, पीकू हो, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हो, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे उसकी व्यवस्था हमने की हुई है। किस तरह की तैयारियां हैं, बेड्स कितने आपके पास, क्योंकि बेड मिलाकर 43,000 बिस्तर है हमारे पास पूरे प्रदेश में। हर जगह हमारा ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लग गया है, ऑक्सीजन स्टोरेज की भी पूरी व्यवस्था है। टोटल मिलाकर हर व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया। बच्चों के लिए अलग से कोई व्यवस्था की है, क्योंकि बच्चों में भी इस तरह पहले से बना हुआ है, उसकी भी आज हमने मॉक ड्रिल किया। कोविड के केसेस कितने हैं अभी, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। एक्टिव केस भी यहाँ पर कोई एक्टिव केस अब नहीं है पूरे प्रदेश। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। बिल्कुल। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे थे। देखिए, कोरोना को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर 8 अलग अलग पैरामीटर हैं जिन पर काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन, इसके अलावा श्रद्धा बेड होना जरूरी है, दवाओं की उपलब्धता, इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, इसके अलावा एम्बुलेंस जो कि बेहद जरूरी है, उसकी बिल्कुल सारी तैयारियां हैं या नहीं ये देखा जा रहा है, और अस्पतालों की ये देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।